नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लॉट्स पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करेंगे कंप्यूटर जीके से संबंधित 60 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और ये जो क्वेश्चन है इनमें से बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो पहले भी एग्जाम में आए हुए हैं और आगे भी इनके आने की संभावना रहेगी। और दोस्तों इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर हम क्विज क्वेश्चन भी करते हैं, तो आप क्विज क्वेश्चन भी देख सकते हैं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जोर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों आप वीडियो को देखते तो जरूर हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, जिससे आपको उसका नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो जब आइकॉन है उसे जोर दबाइएगा, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क होती है तो किस तरह की ये होती है। यहाँ जो सेंसर है ये रहेगा ऑप्शन 4, तो ये एक हार्डवेयर का उदाहरण है। तो कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क है ये कंप्यूटर हार्डवेयर का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, यदि कोई डाटा दो स्थानों पर स्टोर किया गया है और उसके मानों में अंतर है तो उसे क्या कहा जाता है। सी आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन 2, तो इसे यहाँ पर जो डाटा इनकॉन्सिस्टेंसी जो है ये कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा यूनिट स्टोरेज है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो यूनिट स्टोर जो है, जिसे आप स्टोरेज डाटा स्टोरेज भी कह सकते हैं, तो ये इनमें से कौन सा है। सेंसर ऑप्शन 4 जो है यहाँ पर आएगा। जो छोटी जो होती है यहाँ पर स्टोरेज, ये KB होती है, उससे बड़ी MB, उससे बड़ी GB और उससे बड़ी TB, उससे बड़ी PV। तो इस तरह से जो स्टोरेज है ये बढ़ती चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हार्ड डिस्क में विभिन्न प्रोग्रामों के ड्राइव की भौतिकीय त्रुटियों की जांच करने के लिए एवं उन्हें ठीक ढंग से करने के लिए विंडोज में एक प्रोग्राम उपलब्ध होता है, जिन्हें क्या कहा जाता है। तो इसमें जो सेंसर है ये रहेगा ऑप्शन ए, स्कैन डिस्क इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इनमें से संग्रहित सूचनाएं विद्युत सिग्नल के द्वारा हटाई जा सकती है, तो ये क्या होती है, नहीं क्या कहा जाता है। तो इसमें जो सेंसर है ये रहेगा ऑप्शन 4, तो WEPROM जो इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, आपके कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बार जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें जो सेंसर है ये रहेगा ऑप्शन 2, ROM रीड ओनली मेमोरी इसको कहा जाता है। RAM की जो फुल फॉर्म ही होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और जो CD-ROM में से कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। तो यहाँ जो राइट आंसर है ये रहेगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे एप्लीकेशंस के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिसमें डाटा सिगर रिकॉल किया जाना है, तो क्योंकि टेप एक इनमें से किसका एक माध्यम है। तो सेंसर रहेगा हमारा ऑप्शन 2, सिक्वेंशियल एक्सेस मीडिया का ये एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पर जो कैश मेमोरी जो होती है इसका अन्य नाम क्या है। इसका जो अन्य नाम है ये रहेगा बफर मेमोरी, सेंसर रहेगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इस प्रकार की मेमोरी को सामान्यतः टेम्परेरी या वॉलेटाइल स्टोरेज कहा जाता है, तो ये क्या होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रकार की मेमोरी को सामान्यतः टेम्परेरी या वॉलेटाइल स्टोरेज कहा जाता है, तो ये कौन सी होती है। इसका नाम है RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो ROM जो होती है इसे कहा जाता है रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ जो सेंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ROM में इनमें से कौन स्थापित होता है। तो ROM में इनमें से कौन सा जो स्थापित होता है, सेंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन 1। तो यहाँ जो BIOS जो दिया गया है ये इसमें स्थापित होता है। और ये जो BIOS ये कई बार एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है, तो इसको बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में RAM से तात्पर्य। तो ये जो RAM जो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका जो तात्पर्य है इनमें से क्या है। सेंसर रहेगा हमारा ऑप्शन 2,
तो इसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सीडी से आप क्या समझते हैं? तो कॉम्पैक्ट डिस्क इसे जो कहा जाता है, तो सीडी से आप इनमें से क्या समझते हैं? सेंसर रहेगा हमारा ऑप्शन थ्री, तो इसमें आप जो है पढ़ और लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हार्ड डिस्क की क्षमता को किस में मापा जाता है? तो ये हार्ड डिस्क की जो क्षमता जो होती है, तो इसे किस में मापा जाता है? सेंसर है यहाँ पर ऑप्शन फोर, गीगाबाइट्स जो होती है इसमें हार्ड डिस्क की क्षमता को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, फ्लॉपी डिस्क सबसे अधिक उपयोगी होती है। यहाँ पर जो फ्लॉपी डिस्क है ये सबसे अधिक कहाँ पर उपयोगी होती है? सेंसर रहेगा ऑप्शन थ्री, तो ये जो पीसी जो होती है अर्थात पर्सनल कंप्यूटर, इसमें जो फ्लॉपी डिस्क जो होती है सबसे अधिक उपयोगी रहती है। अगला क्वेश्चन है, सीडीज का आकार कैसा होता है? तो इसका जो आकार है ये गोलाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों के बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है, ये क्या कहलाता है? तो इसमें जो सेंसर है ऑप्शन थ्री हमारा रहेगा, तो इसे चुंबकीय टेप और डिस्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क का कंटेंट्स जिसे यूजर चेंज या इरेज नहीं कर सकता है, इसे क्या कहा जाता है? तो जो इरेज नहीं हो सकता है इसे हम क्या कहेंगे? सेंसर एक ऑप्शन थ्री, तो इसे केवल रीड किया जा सकता है कि विनिर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क का कंटेंट जिसे यूजर चेंज या इरेज नहीं कर सकता, तो इसे केवल रीड किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक मेमोरी भी कही जा सकती है। तो यहाँ पर सहायक मेमोरी का एक उदाहरण इनमें से कौन सा है? सेंसर एक ऑप्शन टू, द्वितीय मेमोरी जो है यहाँ पर ये सहायक मेमोरी का उदाहरण है। तो क्वेश्चन है, कंप्यूटर हार्डवेयर में जो सिलिकॉन का बना होता है आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण में रख सकता है, तो ये क्या होता है? सेंसर रहेगा हमारा ऑप्शन टू, तो चिप जैसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर हार्ड में जो सिलिकॉन का ये बना होता है, आईसी जिसे कह देते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, तो ये आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा किस में स्टोर किया जाता है? तो यहाँ पर एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा को आप जो है यहाँ पर क्लिपबोर्ड में स्टोर कर सकते हैं। सेंसर ऑप्शन फोर, तो जब आप कोई कॉपी करते हैं और तो वो जो है वहाँ पर पूछा जाता है कि आप इसको कहाँ सेव करना चाहते हैं, तो क्लिपबोर्ड का भी जो उसमें ऑप्शन आता है, तो आप जब क्लिपबोर्ड में जो स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, फ्लॉपी डिस्क के सेक्टर में होती है। फ्लॉपी डिस्क के सेक्टर में इनमें से कितनी बाइट्स होती है? सेंसर ऑप्शन टू, 128 बाइट जो है यहाँ पर फ्लॉपी डिस्क के सेक्टर में होती है। अगला क्वेश्चन है, रीयूज होने वाले जो ऑप्टिकल स्टोरेज है इसका सामान्यतः प्रथम अक्षर क्या होता है? तो यहाँ पर रीयूज होने वाले ऑप्टिकल स्टोरेज का सामान्यतः प्रथम अक्षर, तो सेंसर है यहाँ पर ऑप्शन थ्री, रोम इसे कहा जाता है अर्थात रीड ओनली मेमोरी। और ये भी जो है यहाँ पर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। जो सीडी दी गई है इसका अर्थ होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, और जो यहाँ पर डीवीडी जो आया है इसका अर्थ होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। तो ये जो है कुछ उदाहरण है, आपने इनको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कंप्यूटर में प्रयुक्त विशेष मेमोरी इकाई को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर में प्रयुक्त विशेष मेमोरी की जो इकाई है इसे हम रजिस्टर कहते हैं। सेंसर ऑप्शन थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस इनमें से कौन सी है? तो सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस इनमें से कौन सी है? सेंसर ऑप्शन टू, तो ऑप्टिकल सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस यहाँ पर रहेगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पर क्वेश्चन है कि चुंबक या डिस्क पर किस पदार्थ की परत चढ़ी रहती है। आपने जो डिस्क देखी होगी उसके परचम के लिए परत चढ़ी हुई होती है, तो ये किस चीज़ की बनी होती है, तो ये ऑरन जो ऑक्साइड है इसकी बनी हुई होती है। अगला क्वेश्चन है, यथा कंप्यूटर संबंधी गतिविधि में USB का पूरा नाम क्या है, और ये जो क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, नेट का जो एग्जाम था उसमें भी जो एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो यह था कंप्यूटर संबंधी गतिविधि में प्रयुक्त USB का पूर्ण रूप, फुल फॉर्म जो है यहाँ पर इसकी क्या है, तो सेंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन 4, यूनिवर्सल सीरियल बस इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह सेकेंडरी मेमोरी जो प्रोसेसर एवं रैम के बीच में स्थापित की जाती है इसे क्या कहा जाता है, तो यह एक सेकेंडरी मेमोरी है जो प्रोसेसर और रैम के बीच में स्थापित होती है, तो इसे हम कैच मेमोरी कहते हैं, सेंसर ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है, बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे क्या कहा जाता है, तो इसे हम नॉन वोलेटाइल स्टोरेज कहते हैं, सी आंसर ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन रहेगा, कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण क्या कहलाता है, सेंसर है यहाँ पर ऑप्शन 1, इसे डायनेमिक डाटा एक्सचेंज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, यहाँ पर जो वर्चुअल मेमोरी जो दी गई है ये क्या होती है, तो इसे हम हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे CPU एक्सटेंडेड रैम की तरह प्रयोग करते हैं, सेंसर ऑप्शन 1। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि रजिस्टर एक प्रकार की इनमें से बिट्स का एक छोटा समूह है, तो ये कौन सा होता है, तो यहाँ पर बिट्स का छोटा समूह, तो यहाँ जो सेंसर ऑप्शन 1 रहेगा इसे रैम जो है कहा जाता है, और रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है इसको कहा जाता है, तो सेंसर ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यहाँ पर जो OS जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से प्रयुक्त होता है, तो क्या जो है इनमें से प्रयुक्त होता है, सेंसर रहेगा ऑप्शन 2, रोम मेमोरी, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है OS इसमें रोम मेमोरी प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क टेक्नोलॉजी में सबसे नवीन विकास कौन सा है, तो ये जो डिस्क टेक्नोलॉजी होती है इसमें सबसे नवीन जो विकास है ये कौन सा है, ऑप्शन 3 जो है यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, ब्लू रे जो है ये पर सबसे नवीन विकास जो है इसका रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रौद्योगिकी का प्रयोग कॉम्पैक्ट डिस्क के रूप में होता है, तार जिसे आप CD जो कहते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क इसका क्या फुल फॉर्म होती है, तो कौन सी प्रौद्योगिकी का प्रयोग कॉम्पैक्ट डिस्क में होता है, सेंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन 4, तो लेजर जो होती है इसका प्रयोग यहाँ पर जो कॉम्पैक्ट डिस्क होती है इसमें उसको पढ़ने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, मेमोरी शब्द का संबंध इनमें से किससे है, मेमोरी शब्द का जो संबंध है ये रहेगा स्टोरेज के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर मेमोरी नहीं है, तो यहाँ पर कंप्यूटर की एक मेमोरी इनमें से नहीं है, सेंसर रहेगा ऑप्शन 4, तो इनमें से कोई सी भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पेन ड्राइव, यहाँ पर जो पेन ड्राइव जो है ये इनमें से किसका एक उदाहरण है, सेंसर है यहाँ पर ऑप्शन 1, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी का जो है ये उदाहरण है। अगला क्वेश्चन रहेगा, कटिंग एंड पेस्टिंग के साथ काटी गई मद अस्थायी रूप से कहाँ पर स्टोर होती है, तो कट एंड पेस्ट के बाद जो ये जो अस्थायी रूप से स्टोर होती है तो वो कहाँ पर ये होती है, सेंसर रहेगा ऑप्शन 5, क्लिप बोर्ड जो होता है वहाँ पर ये स्टोर हो जाती है, जहाँ से आप दूसरी जगह से पेस्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मेमोरी में सूचना तुरंत उपलब्ध होती है, तो ये कौन सी है, तो इसमें जो सेंसर है हमारा ऑप्शन 1 जो रहेगा, रैम जो होती है इसमें से हमें जो सूचना है ये जल्दी उपलब्ध हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इनमें से कौन सी एक आंतरिक मेमोरी का उदाहरण है, तो यहाँ पर आंतरिक मेमोरी कौन सी होती है, सेंसर रहेगा ऑप्शन 1, ये जो प्राथमिक जो मेमोरी है इंटरनल स्टोरेज ये यहाँ पर आंतरिक मेमोरी का उदाहरण रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जो ICG होती, I और C IC,
इसका जो फुल फॉर्म है ये होती है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। तो इसके विकास का श्रेय इनमें से किसी से दिया जाता है? तो विकास का जो श्रेय है ये दिया जाएगा यहाँ पर जे एस केल्वी को, सी आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रैम के बारे में एक सत्य अवधारणा नहीं है? तो इसके बारे में एक सही कथन नहीं है तो ये कौन सा है? सी आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन टू, रैम हार्ड डिस्क का ही रूप है। तो ये जो कथन जो यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, रीड राइट मेमोरी के लिए सही है। तो रीड राइट मेमोरी के लिए यहाँ पर कौन सा कथन सही रहेगा? तो सेंसर है यहाँ पर ऑप्शन फोर, उपरोक्त तीनों। इस मेमोरी में प्रयोगकर्ता अपने प्रोग्राम को कुछ देर के लिए स्टोर कर सकते हैं। साधारण भाषा में मेमोरी को रैम कहा जाता है और यही कंप्यूटर की बेसिक मेमोरी भी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिकली पढ़ी जाने वाली जो फ्लैट मेटालिक डिस्क जिसमें स्थायी रूप से बहुत सी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे जो हम यहाँ पर सी डी रोम कहते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। और ये जो ए एल यू है ये भी बहुत जो एग्जाम में पूछा जाता है, इसकी फुल फॉर्म जो एग्जाम में आ जाती है तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, डायनामिक रैम के लिए एक कथन सही है तो ये कौन सा है? तो ऑप्शन थ्री जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो डायनेमिक अर्थ होता है गतिशील, और इस रैम पर यदि 10 आंकड़े संचित कर दिए जाए और फिर उनमें से बीच के आंकड़े मिटा दिए जाए तो उसके बाद वाले बचे आंकड़े बीच के रिक्त स्थान में स्वतः चल जाते हैं और बीच का रिक्त स्थान उपयोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, एक द्वितीय मेमोरी उपकरण जिसमें सूचनाएं क्रमबद्ध रूप में प्राप्त की जा सकती हैं। तो यहाँ पर सेकेंडरी स्टोरेज अर्थात द्वितीय मेमोरी उपकरण जिसमें सूचनाएं क्रमबद्ध रूप से प्राप्त की जा सकती हैं तो ये रहेगी मैग्नेटिक टेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैटिक रैम के लिए सही है। यहाँ पर जो स्टैटिक जो रैम होती है इसके लिए सही कथन कौन सा है? सेंसर है यहाँ पर ऑप्शन थ्री, उपरोक्त दोनों सही है। स्टैटिक रैम में संचित किए गए आंकड़े स्थिर रहते हैं और इस रैम के बीच दो आंकड़े मिटा दिए जाए तो इस खाली स्थान पर आगे वाले आंकड़े खिसक कर नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, प्रोसेसिंग के दौरान डाटा प्रोग्राम और प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन अस्थायी रूप से कहाँ पर रखी जाती है? तो इसमें जो सेंसर है हमारा ऑप्शन थ्री रहेगा, रैम में जो है ये रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भंडारण उपकरणों की अधिकतम मात्रा में डाटा जमा कर सकता है? तो यहाँ पर अधिकतम मात्रा में जो डाटा को इनमें से कहाँ पर जमा किया जा सकता है? सेंसर एक ऑप्शन टू, हार्ड डिस्क जो होती है इसमें हम अधिक डाटा को स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड ओनली मेमोरी के लिए यहाँ पर कौन सा कथन सही है? तो सेंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन थ्री। तो ये दोनों ही जो कथन यहाँ पर दिए गए हैं ये सही रहेंगे। तो इसमें अक्सर कंप्यूटर निर्माताओं के द्वारा प्रोग्राम संचित करके कंप्यूटर में स्थायी कर दिए जाते हैं जो समय अनुसार कार्य करते रहते हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेटर को निर्देश देते हैं। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम नाम का एक प्रोग्राम इसका उदाहरण है। ये जो BIOS जो यहाँ पर दिया गया है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसकी फुल फॉर्म रहेगी, ये भी जो एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की मेमोरी को मापने की इकाई इनमें से कौन सी नहीं है? तो क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के मेमोरी को मापने की इकाई इनमें से कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है स्टोरेज, इसे मापने की एक इकाई इनमें से नहीं है। तो इसमें जो सेंसर हमारा ऑप्शन फाइव जो आए रहेगा। तो कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है इसे नैनो बाइट में मापा जाता है, सेंसर ऑप्शन फाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्रामेबल रोम। तो यहाँ पर जो प्रोग्रामेबल जो रोम है ये कौन सी होती है? सेंसर रहेगा ऑप्शन एक, इस स्मृति में किसी प्रोग्राम को केवल एक बार संचित किया जा सकता है परंतु न तो उसे मिटाया जा सकता है और न उसे संशोधित किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो सेंसर ऑप्शन एक जो है रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इरेजेबल प्रोग्राम।
ये जो एपी रोम यहाँ पर दिया गया है, इरेजरेबल प्रोग्राम, और एग्ज़ाम में इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है, जैसे ईपी रोम दिया गया है तो इरेजेबल प्रोग्राम जो है इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर रहेगी। तो इसमें जो सी आंसर हमारा ऑप्शन एक जो है रहेगा, तो इसमें संचित किया गया प्रोग्राम पराबैंगनी किरणों के माध्यम से मिटाया जा सकता है। तो अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं, पराबैंगनी किरणें, तो इसके द्वारा जो है इसको मिटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सेविंग का प्रोसेस है, तो यहाँ पर सेविंग जो है यहाँ पर किसका ये प्रोसेस है, तो इसमें जो सी आंसर ऑप्शन एक जो हमारा रहेगा, किसी डॉक्यूमेंट को मेमोरी से स्टोरेज मीडिया में कॉपी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यूपीएस, तो यहाँ पर जो यूपीएस जो होता है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसमें जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन 3, कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना। तो कई बार जो ऐसी फुल फॉर्म भी आ जाती है, तो यूपीएस की जो फुल फॉर्म है ये रहेगी अनरिपीटेबल पावर सप्लाई। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कंप्यूटर जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जोर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।